एक बात बस छोटे भाई की याद रखना, इंसान को घर में जब बेटी होती है ना, भगवान जिसके भी घर में बेटी देता है, चाहे वो दो बेटियां दे दे चाहे वो तीन बेटियां दे दे, एक बात याद रखना, जब वो बेटी देता है ना, उसको पालने की औकात उसको साथ में भेजता है, ऐसे नहीं भेजता, साथ में देता है। हम अभी कंजक पूजन आने वाला है, नवरात्रे आ रहे हैं 2 अप्रैल से, और 9 तारीख का अष्टमी है, आप कंजक पूजन करते हैं? एक तरफ तो हम लोगों के घरों से बेटियां बुलाकर लाते हैं, भाई साहब बेटी भेज देना, भाई साहब बेटी भेज देना, क्यों? बोले हमने कंजक पूजन करना है, पांव छूना है, नाक रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं, पूरी खिलाते हैं। एक तरफ तुम आप कंज के लोगों के घरों से बुला कर लाते हो, और एक तरफ जब वो खुद आना चाहती है तब आने नहीं देते, तब आने नहीं देते, अपने कर्म का लेकर आएंगी और चली जाएंगी। आओ, ये भजन मैंने लिखा था आज से 6 साल पहले, तो जब दीदी का शादी हुआ मैंने तब इस भजन को लिखा कि एक बेटी जब घर से जाती है, एक बेटी एक बहन जब घर से जाती है तो मन पर क्या बीतती है। मैंने 2 लाइनें पुरानी ली है, बाकी का भजन खुद लिखा, 2 लाइनें पुरानी ली, कौन सी? साडा चिड़ियां दा चंबावे बबुल असायू डी जाना, साडा चिड़ियां दा चंबावे बबुल असायू डी जाना, साडी लंबी उडारी ने हो, साडी लंबी उडारी ने पता नहीं केड़े देश जाना। आइए, मैं अपनी बहन को डेडिकेट कर रहा हूँ, आप अपनी बेटी अपनी बहन को, जिन जिन को भगवान ने बेटियाँ दी हैं ना, एक बार हाथ उठाना, जिन परिवार को बेटियाँ दी हैं, और उसको डेडिकेट करते हुए गाना, साडा चिड़ियां दा चंबावे बाबुल असायुडी जाना, साडा चिड़ियां दा चंबावे हो, साडी लंबी उडारी ने हो, साडी लंबी उडारी पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। अरे आप रोइए नहीं यार, अभी तो मैं भजन शुरू भी नहीं किया, ऐसा नहीं करो, आप रोते हैं ना तो मुझे भजन गाने में मुश्किल होता है, प्लीज हाँ आप रोइए, मन के भाव होते हैं आ जाते हैं, कितना ही रोक लो आप। एक बात बताइए, यहां इतनी बेटियां बैठी हैं, बेटियां बताना घर में मम्मी से ज्यादा प्यार होता है कि पिता से ज्यादा प्यार होता है, बताओ किससे? 99% बेटियां बोलती हैं पिता से, 99, क्यों? क्यों? पिता की लाडलियां होती हैं, और जब जाने लगती है ना तो सबसे पहले पिता से मिलती है, सुनना क्या कहती है अपने पिता से, बोले पिताजी मेरी गुड़िया मेरे पटोले, मेरी गुड़िया मेरे पटोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने। पता है बेटी शादी से पहले कुछ भी मांगे ना उसे ला करके दे दो, क्योंकि शादी के बाद जब कुछ लेकर जाओगे ना वो एक ही बात बोलती है, पिताजी अब इसकी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत। आपको जिंदगी में सब कुछ पता चलेगा, बेटियां कब बड़ी हो जाएंगी नहीं पता चलेगा। हाँ बोले पिताजी एक बार अलमारी खोल कर देखना, आपने भाई के लिए आज तक जो कुछ भी लाए एक भी चीज उसने सही नहीं रखी, एक बार जो मेरे लिए लाए हो ना देखना, सब वैसा का वैसा पड़ा है।
नरेंद्र चंचल जी का नाम सुना आपने? अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो ना तो लाइनें गाया करते थे। मेरा मन करता है मैं जब भी कहीं गाता हूं, बड़ा दिल लगता था उसे सुनकर। कहारो डोली नचायो अजे मेरा बाबूला आया नी, कहारो डोली नचायो अजे मेरा बाबूला जेड़ा उस सूट पे जिया सी, जेड़ा उस सूट पे जिया सी मैं हल तक सवाया नी, जेड़ा उस सूट पे जिया सी मैं। मुझे तो था तू आएगा उसके बाद से। अभी सुनना क्या कह रही है पिता से। सबसे पहले पिता से मिली, पिताजी मेरी गुड़िया मेरे पटोले रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले रह जाने। और कदे ता बाबूला याद करेगा, कदे ता बाबूला याद करेगा। तोतले सी मैं बोल जो बोले, तोतले सी मैं बोल जो बोले, तोतले सी मैं बोले। हो साड़ी एनी यारी में, ओ बस एनी यारी में। पता नहीं केड़े देश जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबूल असाई। मालूम आपने बिपिन रावत जी का नाम सुना, जिनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, हमारे सेना प्रमुख बिपिन रावत जी, उनकी भी दो बेटियां थी, उनकी भी दो बेटियां हैं। माने जब पिताजी जाते हैं ना तो बेटियों का भाव क्या होता है। उनकी बेटियों ने भी तो बोला होगा, पापा ड्यूटी से तुम जब आना, ड्यूटी से तुम जब आना एक छोटी सी गुड़िया ले आना, ड्यूटी से तुम जब आना एक छोटी सी गुड़िया ले आना। अरे ले आना चाहे ना लाना पर पापा जल्दी आ जाना, ले आना चाहे ना लाना पर पापा जल्दी आ जाना। पता है भैया कितना दिल से सुन रहे हैं सारे, है ना। कोई आता जाता है ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। प्लीज हाँ, एक जना भैया एक जना वहां बैठ जाओ, जो उनको है ना उनको तो पता नहीं है ना, बैठ जाइए वहीं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप इतना अच्छे से सुन रहे हैं, आप थोड़ा कम रोए इसलिए थोड़ा थोड़ा ताली बजाएगी तो आपको थोड़ा रोना कम आएगा। तालियां बजाइए जरा। सुनो कहंदे कुड़ियां चिड़ियां हुंदियां ने पर नहीं हुंदे कुड़ियां दे, कुड़ियां चिड़ियां हुंदियां ने पर नहीं हुंदे कुड़ियां दे, सोहरे हुंदे ने पेके हुंदे ने पर घर नहीं हुंदे, सोहरे हुंदे ने पेके हुंदे ने घर नहीं हुंदे कुड़ी। मुझे 12 साल हो गए कीर्तन करते, मुझे ये बात समझ नहीं आई अभी तक। सोहरे हुंदे ने पेके हुंदे ने घर नहीं हुंदे कुड़ियां दे, सोहरे कहंदे ने पराए करवाइयां ने ते पेके कहंदे ने तियां पराइयां ने। तू ही दस दे रब्बा तू ये तियां केड़े घर ली बनाइयां ने, केड़े घर ली बनाइयां। पिता से मिलने के बाद मिली माँ से, माँ जानबूझकर हंस रही है कि अगर मैं रो पड़ी तो ये भी रो पड़ेगी। माँ रो नहीं रही, कोशिश कर रही है ना रोने की, लेकिन बेटी समझदार हो गई है। पता है क्या बोलती है माँ से, माँ मेरी नो दई दिलासा झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दी झूठा मुठा हंस दी। इस कमली नु की पता सी तुर जाना मैं वटके पासा, तुर जाना मैं वटके पासा ओए तुर जाना मैं। और पता है क्या बोली जाते जाते, बोले पिताजी काम पर चले जाते तू पढ़ने चला जाता है और मुझे इतनी दूर बिहा दिया,
और पीछे घर में कौन रह गई? माँ हो कल्ली रह गई बिचारी रे, ओ कल्ली रह गई बिचारी रे, पता नहीं मुड़ी कद आउणा सदा चिड़िया दा चंबा वे बबूल। पता है मैंने पिता के लिए लिखा, मैंने माँ के लिए लिखा, और आखिर में मैंने लिखा मैं भाई भी तो हूं ना उस बहन का। हाँ मैं जब भी दिल्ली आता हूं ना, मेरी दीदी का मन होता है कि मैं तेरे कीर्तन में आ जाऊं। आधी बार तो मैं उसको एड्रेस ही गलत बता देता हूं कि मैं वहां जा रहा हूं तेरे घर से बड़ा। दिल्ली में दो दो घंटे लग जाते एक से दूसरी जगह जाने। हाँ क्योंकि वो आ जाती है तो कोई मुझे फरमाइश कर देता है ये भजन गाने की, फिर मैं उसके सामने गा नहीं पाता। मुश्किल है जी। कहते जिसका जाता है उसको पता होता है, दूसरे को नहीं मालूम है। आखिरी बात मैंने लिखी भाई और बहन के लिए। मुझे एक बार बताना कितने भाई हैं जिनकी बहनें हैं, हाथ उठाकर बताना। कितनी बहनों को भाई मिले हैं, हाथ उठाना एक बार। सुनना सुनना, बैठ जाइए बैठ जाइए। आपको मालूम भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है? हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग YouTube पर भजन पे सुनेंगे। भाई और बहन का रिश्ता ऐसा होता है 20 22 24 साल लड़ते रहते हैं। 20 22 साल लड़ेंगे किस बात पे? टीवी में देखूंगा, टीवी में देखू, बस ये लड़ाई होती है। और शादी के बाद दो दो LCDs भी देने चले जाओ तो वापस कर देती, अब तू ही रख ले। हा? एक भाई और बहन का रिश्ता जब विदाई होती है ना, पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़ता है। भाई भी रो पड़ा लेकिन वो छुपकर रोता है, कहीं बहन ने देख लिया तो बोलेगी अब तक तो लड़ता रहा, अब मैं जा रही हूं, वो रो क्यों रहा है? हो बीरा दूर खड़ा रोवे, रो पड़ते सब रो पड़ते, बीरा दूर खड़ा रोवे किसे ने चुप कराया नहीं, ओ बीरा दूर। तो बहन देख लेती है, दौड़ कर जाती है और मालूम अपने भाई से क्या कहती है? बोले भैया 20 साल दा झगड़ा वीरा, 20 साल दा झगड़ा चल हुण अज मुका लै वे, 20 साल दा झगड़ा वीरा चल हुण अज मुका लै वे। और देखो कितनी बड़ी बात कही बहन ने, मैं ही माफी मंग लैनी आ, मैं ही माफी मंग लै, बस एक बार गल नाल ला लै वे, मैं ही माफी मंग लै, बस एक बार गल नाल। क्यों? ओ वीरा नाल सरदारी वे, ओ वीरा नाल सरदारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बबूल। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, श्याम बाबा सिर्फ इस चीज से खुश नहीं होते कि आपने उसकी जोत जगाई, भजन किया, आरती करी ना। श्याम बाबा तो खुद परिवारिक है, अपनी माँ के वचन के लिए सर काट कर दे दिया। आज आप अपनी माँ का दिल दुखाकर यहां बैठे हो तो कोई फायदा नहीं है। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना मेरी बात का। माँ घर में परेशान है और आप इस माँ के बच्चे को खुश करोगे? नहीं होगा। किसने अपनी मां के लिए अपना गला काट दिया? मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। जोत जग रही, अगर मैं इतना सा भी झूठ बोल दूं, इतना सा भी, भगवान माफ ना करे हमें। आज से 8 महीने पहले जून, 21 जून, हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हम तो छोटा ही कहेंगे, जिसमें बच गए वो छोटा ही हुआ। मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि वो एक्सीडेंट इतना भयानक था, उसमें एक बंदा ऑन द स्पॉट मर गया, मैं बच गया। 21 जून 11 थी बाबा की, मेरा छत्तीसगढ़ कीर्तन था। मैं वैसे 11 को कीर्तन नहीं करता, खाटू होते हैं, हम सब खाटू होते हैं कीर्तन 11 पर।
लेकिन मंदिर बंद था उन दिनों में, इसलिए मैंने कीर्तन ले लिया छत्तीसगढ़ का। अब बात सुनना, ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं, ये लाइव भी सुनना सारे जो चैनल पे देख रहे हैं, आपका विश्वास बाबा पे और मजबूत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कीर्तन किया 21 जून को 2021, अभी 8 महीने पहले कीर्तन किया। सुबह 22 जून बारस को वापिस चले रायपुर एयरपोर्ट, जहां कीर्तन था, मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता किसी समिति पर बात आ जाती है। 5 घंटे का रास्ता था बाय कार, सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे का फ्लाइट था, 9:30 बजे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ज्योत जग रही अगर मैं इतना सा झूठ बोलूं, गाड़ी का एक्सीडेंट मैं नहीं बताता आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं, दुनिया के एक्सीडेंट होते हैं क्या खास बात है, लेकिन वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एक बंदा ऑन द स्पॉट मर गया, एक गंभीर हो गया। हम भी एम्बुलेंस में गए, हमको थोड़ा बहुत चोटें लगी, कांच वांच लगा, हम ठीक बच गए। फिर भी आपको मालूम मैं क्यों बच गया, मैं बताता हूं, मैं किसका भजन करने गया था, श्याम बाबा का। मैं घर पे अपनी मां को बोल कर गया ना, मां मेरा कल कीर्तन है छत्तीसगढ़, परसों मैं वापिस आ जाऊंगा। अब एक बात बताओ, मैं अपनी मां को वचन देकर गया ना कि मां मैं परसों आ जाऊंगा, अब आप मुझे जवाब दो, मुझे बाबा ने क्यों बचाया, जिसने अपनी मां के वचन के लिए अपना सर काट कर दे दिया, वो अपने बच्चे के मां के वचन के अब झूठा कैसे पढ़ने दे देता, मुझे तो वापिस लेकर ही आना है। बोल लाज बचाने वाले की, बोलिए श्याम प्यारे की। इसलिए वो मुझे बचा लाया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये भी परिवारिक है श्याम बाबा, आप भी परिवार वाले बन के रहना। मैं सिर्फ अपनी बहन की बात नहीं करता, यहां बहुत बड़े बड़े भी बैठे हैं, 50 साल के 60 साल के, अगर आपकी बहनें भी हैं, अगर थोड़ा सा भी मन मुटाव हो ना, राखी के दिन एक बार उससे जरूर मिलाया करो। मुझे पता है आजकल लोगों में मन मुटाव हो जाते हैं, लेकिन एक बार मिलाया करो, क्योंकि जब भाई रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलता है ना, तो उसे ऐसा एहसास होता है कि अगर मैं महाराजाओं के घर में हूं तो कहीं राजाओं के घर से भी कम नहीं आई हूं। अरे बस आप सबका प्यार आपस में बना रहे, लेकिन हां अब ऐसा भी नहीं कि मैंने बेटियों की इतनी तरफदारी करी तो उनमें कोई माइनस पॉइंट नहीं है, ना ना ना। यहां तक भजन आपने यूट्यूब पर भी सुना होगा, अब जो YouTube पर नहीं सुना ना, 2 मिनट वो सुनो, इसे YouTube पर नहीं डाला, अब डाल देना भैया, अब डालना, क्योंकि ये मैंने तब नहीं गाया था, आज गा रहा हूं। मां बाप शायद बेटियां होने से इसलिए नहीं डरते कि दहेज का खर्चा उठाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा इसलिए भी डरते हैं कि बेटियां घर की इज्जत होती हैं, अगर इसने ना जाने इतना सा कदम भी गलत उठा लिया तो घर में ये मैं समाज में नजर उठाकर चलने के लायक नहीं बचूंगा। बुरा मत मानना जो बेटियां यहां बैठी हैं, आज 20 साल का प्यार 20 दिन के प्यार के आगे फीका पड़ जाता है, और अकल बादाम खाकर नहीं आती, ठोकर खाकर आती है, बाद में पछताने का क्या फायदा, अपनी बाप की पगड़ी रोल दी फिर पछताने का क्या फायदा। कहते जिन घरों में पहले बड़ों से सलाह नहीं ली जाती ना, बाद में उन घरों में वकीलों से सलाह लेनी पड़ती है। बुरा मत मानना लेकिन सच है, मैं सब बेटियों से बोलूंगा, सब बच्चों से बोलूंगा, बाबुल की पगड़ी होती है, बाबुल इसी चीज से डरता है अपनी बेटी से, बोले अगर एक कदम भी गलत उठा लिया मैं समाज में जीने के लायक नहीं बचूंगा। अभी मैंने एक देखो न्यूज तो रोज ही आती है कुछ ना कुछ, एक वीडियो भी आया था, एक बाप ने अपनी पगड़ी पुलिस थाने में ऐसे लेकर खड़ा था बेटी के आगे, बोले बेटी घर चल, और बेटी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी,
ऐसा दिन अगर कोई बाप देख ले तो वो क्या बेटियां पैदा करने से नहीं डरेगा क्या? तो बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, एक बाप जब 22-24 साल अपनी बेटी की परवरिश करता है और जब उसकी विदाई करता है ना अपने मन से, तो बहुत खुश होता है। और हमारे पंजाब में पगड़ी बांधी जाती है, अपनी बेटी को बोलता है विदाई के दिन कि आज मेरी पगड़ी को तू बांध, और बेटी पगड़ी बांधते हुए पता है क्या बोल रही है, सुनिएगा, माने रवे तेरी पगदा, ये इज्जत होती है, माने रवे तेरी पगदा सारी उम्र संभालिए, तू यो रे आ तोर बाबला, तोर माने भेज रहा है, तू यो रे आ तोर बाबला सानू जरा भी ना कालिए, ओ तू यो रे आ तोर बाबला सानू जरा भी ना साडा चिड़िया दा चंबा वे बबूल। बोल साचे दरबार की, बोल खाटू न रहेश की, कसम से ये भजन गाकर ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। अरे धन्यवाद धन्यवाद, कोई ना कोई ना, जय जय। बोल खाटू नरेश की, बोल शाम। अरे अरे आओ आओ भैया, मुझे एक बार बता दीजिएगा कितना समय है, क्योंकि 2 घंटे से ऊपर हो गए भजन करते हुए, समय का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। और आप लोगों ने इतना ऐसा भजन सुना, एक बार चाहूंगा अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, सच में आनंद आ गया। अरे धन्यवाद धन्यवाद, आपका ये प्यार ये आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ होता है।